हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एच डी पर। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज में हम रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के एक फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर के होते हुए। तो आइए से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके यूज़र के लॉग इन, साइन अप एंड फॉरगेट पासवर्ड को हमने वर्क किया था। आज से हम यूज़र हमारा साइन अप हो चुका है, तो अब हम ऐड टू कार्ट पर वर्क करेंगे। तो ऐड टू कार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो यूज़र है, जो पर्टिकुलर यूज़र आपकी वेबसाइट पर है, वो लॉगिन है या नहीं। तो उसके एक टू कार्ट पे क्लिक करने के एक्शन पर हम इसे ट्रिगर करेंगे। तो आइए हम इसको टारगेट कहते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर यूज़र है वो लॉग्ड इन है या नहीं। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ हमारा कोड। तो इसके लिए मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे एच टी डॉक फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा एच टी डॉक, देन एच टी डॉक के अंदर है हमारा ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल के अंदर है आर बी एस, आर बी एस के अंदर है एप्लीकेशंस, देन यहाँ पर हमारा जो व्यू है ये व्यू हमारा होम है, देन हमारा जो व्यू है और व्यू ये रहा होम वन, देन ये वाला है। देन अगर हम ऐड टू कार्ट देखें तो हमारा ऐड टू कार्ट जो सेक्शन है वो ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पर है। तो इससे हमें यहाँ पर एक आईडी देंगे, हम इस पर्टिकुलर इनकटेक को एक आईडी देंगे ऐड टू कार्ट, देन सेव करते हैं, देन इसे हम करते हैं लोड। और अब चेक करते हैं कि हमें पर्टिकुलर्स की आईडी ऐड टू कार्ट मिल रही है। देन हमें जो इनकटेक बन रहा है उसकी आईडी हमें ऐड टू कार्ट मिल रही है। तो हमें इस पर कुछ एट्रीब्यूट देने होंगे। पहला जो होगा वो होगा डेटा प्रोडक्ट, हम देंगे डेटा हाइफन प्रोडक्ट इक्वल्स टू, देन यहाँ पर हम लिखेंगे एको, देन जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा उसकी आईडी देंगे, देन सेमी कॉलन। देन सेकेंड हम देंगे डेटा यूज़र के, जो यूज़र कौन सा है, तो हम देंगे डेटा यूज़र इक्वल्स टू, देन डेटा यूज़र को हम ट्रिगर कैसे करेंगे। तो डेटा यूज़र को हम ट्रिगर करने के लिए हमने जो हमारा लॉगिन हमने चेक किया है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, तो हम चलेंगे इंक्लूड्स में, देन मेन्यू में हमने यहाँ चेक किया हुआ है कि पर्टिकुलर यूज़र का सेशन मिल रहा है या नहीं। तो हम यहाँ से ये जो पर्टिकुलर हमने सेशन ईमेल से मैनेज किया है, इसका क्या सेशन ईमेल, तो हम चेक कर लेते हैं जहाँ पर हमने इसे लॉगिन कराया। तो हम चलते हैं होम कंट्रोलर पर, देन यहाँ से हम चेक करते हैं लॉगिन, तो हमारा जो सेशन मैनेज हो रहा है वो पर्टिकुलर यूज़र की ईमेल से हो रहा है। ठीक है, हम यूज़र की ईमेल से इसकी आईडी गेट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर यूज़र की ईमेल मिल रही है, देन यहाँ पर ही हम एक और ब्लॉक बढ़ाएंगे आईडी, देन एक और हम सेशन क्रिएट करेंगे आईडी करके, तो यहाँ से हमें यूज़र की आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ मिलती है, यूज़र की ईमेल और यूज़र की आईडी। तो हमें यूज़र आईडी करके हमें एक मिल जाएगा सेशन, तो हम यूज़र आईडी नाम के सेशन को ट्रैक करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम दे देते हैं एको डॉलर धीस सेशन यूज़र डेटा, नहीं यहाँ पेस्ट करेंगे, सेमी कॉलन सेव करेंगे, देन इसे हम करते हैं रिलोड। और यहाँ पर अगर हम इंस्पेक्ट करें तो अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा डेटा, ये यूज़र डेटा और प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है टेस्ट, तो हमें इसे करना होगा आईडी या नेम की जगह आईडी, देन रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी आ रही है लेकिन यूज़र की आईडी नहीं आ रही है। तो अब हम यूज़र को लॉगिन कराते हैं और चेक करते हैं कि यूज़र की आईडी यहाँ आ रही है। तो हम यूज़र को लॉगिन कराते हैं, तो देते हैं dipendra@gmail.com, देन पासवर्ड हम डेटाबेस से देख लेते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में फॉरगेट पासवर्ड करा था। तो हम चलते हैं माई प्रो, देन माई प्रो के अंदर सॉरी गलत डेटाबेस ओपन कर लिया, यह डेटाबेस हमारा, देन हमारा ये पासवर्ड है। तो इस पासवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन किया हमने, अब हम अगर चेक करें तो हमें यहाँ पर क्या यूज़र की आईडी मिल रही है, तो हमें यूज़र की आईडी यहाँ पर मिल रही है। देन
अब हम यूज़र को लॉगआउट कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक बग मिलेगा हमें क्योंकि हमने वो नहीं किया था वर्क। देखिए अब लॉगआउट कराने के बाद भी यूज़र की आईडी आ रही है, इसके पीछे ही रीज़न है कि हमने यहाँ पर ऐसे यूज़र को लॉगआउट करवाया है। जो हमारा यूज़र लॉगआउट फंक्शन है उसमें हमने केवल ईमेल को अनसेट किया है, हमने यहाँ पर आईडी को अनसेट नहीं किया, तो हमें यहाँ पर यूज़र की आईडी को भी अनसेट करना होगा, तभी यूज़र की आईडी रिमूव होगी। तो हम यहाँ से करते हैं पेस्ट, देन यहाँ देंगे आईडी और यहाँ पर हम सेव करते हैं इसे, देन रिफ्रेश, देन अगेन हमें एक और बार लॉगिन करना होगा इसके लिए, तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। upendra@gmail.com यहाँ से हम पासवर्ड कॉपी करते हैं, लॉग इन, यूज़र लॉग इन हो गया। देन यहाँ पर उसकी जो आईडी एंड पासवर्ड है वो एग्जिस्ट कर रही है, देन इसे हम करते हैं लॉगआउट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब लॉगआउट होगा यूज़र, देन यहाँ से इसकी आईडी और पासवर्ड रिमूव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने बेसिक्स का एक सेशन मैनेज कर लिया है, जिससे हमें प्रोडक्ट की आईडी और यूज़र की हमने एग्जिस्टेंस कर लिया है। देन अब हम इस पर जावास्क्रिप्ट लगाएंगे और जावास्क्रिप्ट से इसे अगर यूज़र आईडी नहीं मिलेगी तो हम इसे लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसके ऊपर को मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ट्विटर एक्सरसाइज में नहीं मिल पाते तो आप मेरी वेबसाइट प्रोजेक्ट वर्ल्ड विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ मेरे सारे ट्विटर एक्सरसाइज में अवेलेबल है, तो आप उन्हें ईजिली देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।